अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने देखा कि कैसे कोई कोई बॉलीवुड स्टार्स जो होते हैं दे जस्ट कैच अ फ्लाइट और चले जाते हैं मालदीव्स, न्यूयॉर्क। बिलीव द मेडिकल प्रोफेशनल्स व्हाट दे आर टेलिंग यू। व्हाट्स अप गाइस, तो आज मैं आया हूँ मेरे वैक्सीनेशन करवाने, सेकेंड डोज। तो दिस इज़ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मतलब एग्जैक्टली वो हॉस्पिटल है, उन्होंने यहाँ पे एक मेकशिफ्ट एक सेंटर बनाया है ऑन द ग्राउंड। दिस इज सेंट जेवियर्स ग्राउंड, तो यहाँ पे दे हैव मेड दीज अरेंजमेंट्स। अभी अच्छा अरेंजमेंट किया है बिकॉज इंस्टेड ऑफ यू नो कीपिंग इट इन द हॉस्पिटल, इन लोगों ने ऐसे एक ग्राउंड पे किया है। आई जस्ट शो इट टू यू। तो यहाँ पे किसी की चड्डी लटक रही है, ये छोड़ो, लेकिन दिस इज द अरेंजमेंट दैट इज डन। सो क्वाइट अ नाइस अरेंजमेंट, सब स्पेस्ड आउट रहेगा। मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर है यहाँ पे। क्या है ना, पिछला डोज KM हॉस्पिटल में लिया था, इट वाज ओके, इट वाज फाइन, बट थोड़ा सा वहाँ पे भीड़ तो रहती है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हैवी ड्यूटी काइंड ऑफ हॉस्पिटल। इसके लिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गो एट अ न्यूट्रल सेंटर। तो न्यूट्रल सेंटर्स में तो यही है टाटा, एंड देर इज वन मोर, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, मतलब नियर बाय वेयर आई लिव। सेकेंड इज़ दी एक्वर्थ लेप्रेसी हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली मिल गया, तो दैट्स व्हाई आई केम हियर। एक पाठ एक काम वाटलं अंगण।
एक काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये है सेंट जेवियर्स ग्राउंड, यहाँ पे है वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मोस्टली फुटबॉल के मैचेस होते हैं, वेरी पॉपुलर ग्राउंड अमंग ऑल द फुटबॉल एंथुजियास्ट। सो अभी आगे आई एम गोना अवॉइड दिस एरिया बिकॉज यहाँ पे काफ़ी क्राउडिंग है। सो एनीवेज दोस्तों, और क्या नया है? वेल अभी दो तीन दिन पहले ही मैंने देखा कि कैसे कोई कोई बॉलीवुड स्टार्स जो होते हैं दे जस्ट कैच अ फ्लाइट और चले जाते हैं मालदीव्स, न्यूयॉर्क। तो ऐसे जो लोग हैं, यानी मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ यू नो रूल्स आर इन प्लेस बिकॉज देर आर मेनी स्ट्रेन्स एज यू नो इन द वर्ल्ड। तो इजंट देर अ रिस्क ऑफ गेटिंग दोज स्ट्रेन्स हियर? तो ऑन व्हाट बेसिस आर दे अलाउड टू गो? मतलब जब हम लोग के लिए कॉमन पीपल दे हैव सच स्ट्रिक्ट लॉकडाउन rules which are by the way were very good, you know, wo rehne chahiye because that's how you will protect yourself. But what about these elite people jo the so called media personalities, stars, ye log ko matlab kya aise lagta hai ki matlab aise time pe bhi they're just free to go for a vacation anywhere in the world, New York, London, Maldives, matlab jahan pe cases kam hai wahan pe they just go catch a flight. To mera yahi kehna hai ki ये सब ग्लोबली इतने अलग अलग स्ट्रेन्स जो म्यूटेट हो रहे हैं, तो इजंट देयर अ रिस्क ऑफ गेटिंग दोज स्ट्रेन्स इन इंडिया व्हेन यू अलाउ ट्रैवल लाइक दिस, यू नो? ऐसा है तो मेरे को यही नहीं समझता कि क्या कैसा वाई आर देयर यू नो एक यूनिफॉर्म रूल्स बिकॉज आई फील इट्स काइंड ऑफ इट्स अनफेयर फॉर पीपल यू नो लिविंग हियर ऐसे। सो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि यू नो द पीपल हु हैव मनी, हु हैव लाइक रिसोर्सेज, दे आर लाइक क्विक टू एस्केप टू सेफर प्लेसेस, वेयरएज मतलब बाकी के जो साधारण लोग हैं उनके लिए मतलब इतना रूल्स का बोझ होता है कि ना वो यहाँ से जहाँ से वहाँ जा सकते हैं ना कुछ ऐसे। तो बस यही है कि आई फील इंटरनेशनल ट्रैवल शुड ऑल्सो बी अ बिट सब्जेक्ट टू यू नो रूल्स, यानी एसेंशियल रहेगा तो ही यू कैन ट्रैवल इंटरनेशनली, like not for like your you know vacations or anything. So that's what I feel because mere ko to aise lagta hai because ye jo Tiger Shroff and Disha Patani wo jo bhi hai they are not going there for essential travel. Unko kuch Maldives mein kaun essential travel karne ko jata hai? To ye that is something which everyone should look into and you know the authorities should also look into because what the issue right now is that we should contain the spread of any kind of mutant variation ya jo bhi द म्यूटिंग स्ट्रेन वट एवर इज़ देयर। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो ये लोग जो सेलिब्रिटीज़ है दे आर गोइंग टू मालदीव्स एंड US एंड यार क्या फिर बाद में बोलेंगे कि अरे वहाँ से स्ट्रेन आ रहे हैं, अब समझ रहे हो? सो आई होप सेंस प्रिवेल्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एनीवेज अभी मैं फिलहाल तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे वी आर लाइक सैनिटाइजिंग। दोस्तों वैसे तो मुझे लग रहा है कि द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव राइट नाउ आई थिंक द पीपल आर डूइंग देयर बेस्ट बिकॉज वॉट एवर जो भी है इनके पास दे ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट बिकॉज मैंने देखा है यहाँ पे एंड आई थिंक मीडिया हाउसेज सी दिस इज़ एन अजम्पशन कि क्या है ना नेगेटिविटी सेल्स एंड है नेगेटिविटी थोड़ी सी लेकिन जितनी वो दिखाते हैं इट इज़ काइंड ऑफ एक्सेसिव टू क्रिएट यू नो इट क्रिएट्स पैनिक अल्टीमेटली एंड जो लोग एक्चुअली में अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग को भी वो लोग काम करने नहीं देते तो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी चेंज। और बाकी तो दोस्तों आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट वैक्सीनेटेड वेन एवर योर टर्न कम्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज भी मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो अपना ही दिमाग चलाते हैं बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल यू नो सेइंग रियली
वियर्ड थिंग्स अबाउट द वैक्सीन, बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन ऐसे होता है वैसे होता है. आई मीन दोज पीपल आर इडियट्स बिकॉज दे डोंट नो हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. एंड वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ आप यू नो व्हाट्सएप के मैसेजेस रीड करके डोंट मेक एन अजम्पशन फॉर योर ओन, यू नो ऐसे कुछ भी तुक्का मत मारिए. बिलीव द मेडिकल प्रोफेशनल्स व्हाट दे आर टेलिंग यू एंड उससे ही थोड़ा सा यू नो जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा. एंड बिकॉज दे हैव टू बिकॉज ऑफ द सम इडियट्स हु डोंट टेक द वैक्सीन, उसकी वजह से केसेस बढ़ते हैं. अभी ये हमारी बदनसीबी समझिए, अभी क्या करें, बिकॉज ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि वैक्सीन कैसे एक्ट होता है. तो इसी वजह से जो जो रूमर्स फैला रहे हैं वैक्सीन को लेके, दैट इज़ नॉट गुड. एंड या सो दैट इज़ थिंग गाइज, जस्ट डोंट बी एन इडियट. और थोड़े से मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि वेन एवर यू गो आउट ऑफ योर हाउस एंड यू नो वेन एवर यू हैव सम वर्क आउटसाइड, देन यू हैव टू यू नो वेयर योर मास्क. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेयर डबल इन केस यू हैव अ क्लॉथ मास्क. देन सेकेंडली हाईली रिकमेंडेड N95 मास्क विच हैव अ क्लिप, नोज क्लिप होना चाहिए. एंड थर्डली वेन यू कम होम, घर पे जब आते हो तो डेफिनेटली आपको स्टीम लेना चाहिए. स्टीम अगर यू नो यू हैव टू टेक स्टीम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, बिकॉज स्टीम इट क्लियर्स आउट योर नेसल पैसेजेस, क्योंकि ये जो है इट जस्ट एंटर्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. नो यू नो दैट इट गोज थ्रू नोज. एंड आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूँ कहाँ पे यू नो यू विल फील दैट यू नो इन केस यू गेट इन्फेक्टेड, गॉड फॉरबिड ऐसे कभी होना नहीं चाहिए. बट दिस रीजन राइट हियर, ये जो है ना यहाँ पे इसके पीछे ना ओल्फैक्ट्री बल्ब रहता है. तो इट अटैचेस टू द ओल्फैक्ट्री बल्ब एंड दैट्स वाई यू लूज द सेंस ऑफ यू नो स्मेल. और अगर आपने सेंस ऑफ स्मेल लूज़ किया तो ऑटोमेटिकली अपना टेस्ट भी चले जाता है. तो ये सब है. एंड दोज ऑफ यू हु आर डेफिशिएंट इन विटामिंस लाइक विटामिन डी, B12 एंड सी, देन उनको थोड़ा सा ज़्यादा केयर लेना पड़ेगा. बिकॉज मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग रहते हैं जो धूप नहीं लेते बिकॉज उनको डर रहता है कि अरे हम मैं काला हो जाऊँगा, मैं टैन हो जाऊँगा. तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली सनलाइट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग विटामिन डी. सो मेक श्योर दैट यू गेट योर डेली डोज ऑफ सनलाइट, उससे ही आपको थोड़ा सा यू नो यू विल गेट दैट इम्यून strength, and that is the best source. And I've seen that most of the people who are deficient in vitamin D and B12, they are the ones who are more susceptible to this thing. So therefore I recommend all these things, you do these things, you take a bit of supplements if you feel ki aapko thoda deficiency hai. But in case you're taking supplements, then I advise you to take the advice of your medical practitioner, your doctor, because he will prescribe you the right kind of dose, even in case of you know vitamins, multivitamins, because multivitamins ke bhi alag alag types aate hain market mein, so uske hisab se. But these are the things guys, so in this video I talked to you about a lot of things, alag alag issues bataye maine. तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं आपसे, लेकिन ऐसा मुझे मौका नहीं मिल रहा था. सो वी हैव टू बिहेव लाइक सिविलाइज्ड इंडिविजुअल्स, ऐसे अबाइड बाय द रूल्स, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं. थैंक यू गाइस. अभी पता नहीं अभी इफ आई वुड एंड द वीडियो हियर और कंटिन्यू, तो फिलहाल के लिए एंडिंग द वीडियो नाउ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज सफी बॉन्सिंग, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.